हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। हमारा जो चैप्टर है मोशन अलोंग अ प्लेन कर्व, ये आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है डायनेमिक्स में, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके लिए जिन चीजों की हमें जरूरत है वो आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे, यानी बेसिक स्टडी करेंगे हम एक्चुअल में। पूरे ये भी नहीं कह सकते किसी चैप्टर के हैं ये, बल्कि पूरी बुक के लिए बेसिक्स है जो हमें थ्रू आउट दी डायनेमिक्स में सब्जेक्ट में काम आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि डायनेमिक्स क्या होती है। डायनेमिक्स ब्रांच होती है मैकेनिक्स की। तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में क्वेश्चन यही आना चाहिए कि व्हाट इज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो एक्शन ऑफ फोर्सेस को डील करती है ये, यानी कि मैकेनिक्स क्या है, इज अ साइंस विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस। किसके ऊपर? ऑन बॉडीज इन रेस्ट और बॉडीज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो मैकेनिक्स क्या चीज है? मैकेनिक्स क्या है? साइंस की एक कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी है, जो हमारे फोर्सेस, एक्शन जो होगा फोर्सेस का किसी बॉडी के ऊपर, और कौन सी बॉडी के ऊपर, जो रेस्ट की पोजीशन में हो सकती है या मोशन की पोजीशन में हो सकती है, उसे स्टडी करती है, वो साइंस हमारी क्या कहलाती है? मैकेनिक्स कहलाती है। अब मैकेनिक्स को देखिए, अब दो कैटेगरी है यहां पर, यहीं से क्लियर हो गया, क्योंकि मैकेनिक्स दो काम करती है, जो बॉडी रेस्ट में है उनको, उनकी भी स्टडी करती है, और जो बॉडी मोशन की स्टेट में है उनके ऊपर किसी फोर्स का क्या इफेक्ट होगा उसको भी स्टडी करती है। तो उसी के बेस पर हमारी मैकेनिक्स की दो कैटेगरी है, वन इज कॉल्ड स्टैटिक्स और सेकंड इज कॉल्ड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स आप पढ़ चुके हैं किसके अंदर, फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं, और सिक्स सेमेस्टर में हमारे आ जाती है डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स की डेफिनेशन इसी से ही ड्राइव हो जाती है, स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कि एक्शन को, ये देखिए ये सिंपल मैं बना देता हूं, सिंपल से आपको याद भी हो जाता है कि स्टडी किसको स्टडी करेगी ये मैकेनिक्स की ब्रांच, एक्शन ऑफ फोर्सेस किसके ऊपर, ऑन बॉडीज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। सिमिलरली जो डायनेमिक्स है वो किसको स्टडी करेगी, ये ब्रांच है मैकेनिक्स की, दैट विल स्टडी द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन। तो ये हमारी डायनेमिक्स की डेफिनेशन है, ये स्टैटिक्स की डेफिनेशन है, और ये हमारी मैकेनिक्स की डेफिनेशन है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मैकेनिक्स, व्हाट इज स्टैटिक्स एंड व्हाट इज डायनेमिक्स। अब हमारे कंपोनेंट्स हैं मैकेनिक्स के, कह लीजिए डायनेमिक्स, क्योंकि और स्टैटिक्स और डायनेमिक्स जो है हमारी मैकेनिक्स की ब्रांच है, तो ये कंपोनेंट कॉमन है जो हम थ्रू आउट हर मतलब थ्रू आउट दी मैकेनिक्स यूज करते हैं। ये स्टैटिक्स में भी यूज होते हैं और ये डायनेमिक्स में भी यूज आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कंपोनेंट्स में सीखना है कि स्पेस क्या होता है, स्पेस क्या चीज होती है। तो स्पेस क्या चीज होती है आपकी, इट इज द रीजन इन विच इवेंट्स टेक प्लेस। तो जो स्पेस होता है वो क्या होता है, रीजन होता है किसका, वेयर द इवेंट्स टेक्स प्लेस। तो रीजन ऑफ इवेंट्स, तो रीजन ऑफ इवेंट्स, तो आप ये कह सकते हैं इट इज द रीजन वेयर द इवेंट्स टेक प्लेस। यानी कि किसी भी रीजन के अंदर जब हमारी कोई भी इवेंट क्या करती है, प्लेस करती है, यानी कि घटना कोई भी घटित होती है हमारी किसी भी रीजन के अंदर, वो थ्री डायमेंशनल में हो सकती है, टू डायमेंशनल में हो सकती है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन हो सकती है, अलोंग द कर्व हो सकती है, तो वो जिस भी रीजन के अंदर हमारी कोई इवेंट अक्कर होगी दैट विल बी कॉल्ड स्पेस। जैसे आप मैथमेटिक्स में से पढ़ते भी है टू डायमेंशनल स्पेस हम कह देते हैं, थ्री डायमेंशनल स्पेस कह देते हैं, तो वो मैथमेटिकल टर्म्स आ जाती है, बिल्कुल ये इसी के सिमिलर हम कह सकते हैं, वही चीजें हैं। तो रीजन यानी कि रीजन होता है हमारा स्पेस, रीजन यानी कि कोई भी रीजन है, किसी भी तरीके का रीजन हो सकता है। मान लीजिए मैंने रीजन लिया, यहां पे कोई इवेंट होती है टेक, यानी कि इवेंट घटना कोई भी घटित हो रही है, यानी कोई भी इवेंट टेक प्लेस कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं वो क्या है, हमारा स्पेस है। तो स्पेस के बाद देखिए हमारी हमारे जो नेक्स्ट टर्म आती है वो क्या है, हमारी मैटर। मैटर क्या चीज होती है, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस।
यानी कि कोई भी, यानी कि मैटर क्या है, कुछ चीज है, कोई कुछ भी चीज है कोई, तो जो क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है किसको, स्पेस को। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। तो यहां पे देखिए, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी वो क्या होगी, हमारी मैटर होगी। अब जैसे वाटर है, वाटर क्या चीज है, वाटर मैटर है। एयर क्या है, मैटर है। हम जो है, हम भी मैटर से बने हुए हैं, तो क्योंकि हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस को, कुछ भी चीज यानी कि नेचर के अंदर कोई भी चीज है जो ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को, दैट इज कॉल्ड दी मैटर। मैटर के बाद देखिए आती है हमारी बॉडी। बॉडी क्या है, बॉडी जो है वो लिमिटिंग पोजीशन है किसकी, मैटर की। यानी कि मैटर का जो लिमिटिंग पोजीशन लेकर, यानी कि लिमिटिंग मटेरियल लेकर, ये कह दीजिए मटेरियल लेकर, जब हम किसी चीज की लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस को जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं वो क्या है, हमारी बॉडी है। बॉडी जो, बॉडी बॉडी किसे बोलते हैं, वो मैटर, मैटर से कोई चीज बनी हुई है, जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो मैटर से बनी हुई है और लिमिटिंग पोजीशन में है हमारी पूरी की पूरी बॉडी। हमारी लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस होती है, तो या और भी किसी चीज की, किसी भी बॉडी की जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस हो, तो वो क्या कहलाए, जो मैटर से बनी हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट है किसका, मैटर का, मैटर का लिमिटिंग अमाउंट है। तो लिमिटिंग अमाउंट ऑफ मैटर, तो बॉडी इज अ लिमिटिंग अमाउंट ऑफ मैटर। तो बॉडी जो होती है लिमिटिंग अमाउंट होती है किसका, मैटर का, और इट हैज लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस या हाइट कह सकते हैं एटसेट्रा, ये प्रॉपर्टीज यहां पर इसकी लाई करती है, तो उसे हम बोलते हैं वो क्या है, हमारी बॉडी है। बॉडी देखिए आगे टू टाइप की होती है, एक होती है रिजिड बॉडी और एक होती है इलास्टिक और फ्लेक्सिबल बॉडी। तो रिजिड बॉडी कौन सी होती है, रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है, मैं कोई भी फोर्स अप्लाई करूं किसी बॉडी के ऊपर वो अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करती। तो बॉडी विद अनचेंज्ड पोजीशन, यूपी, बीयूपी, तो बॉडी विद अनचेंज्ड पोजीशन, ऐसे याद रखेंगे, यानी कि जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, वट एवर द फोर्स वी अप्लाई ऑन द बॉडी, तो बट लेकिन इट इट कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन, देन वी से द बॉडी इज रिजिड बॉडी। यानी बॉडी जो अपनी शेप कभी चेंज ही नहीं करती, यानी कि अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगी, शेप नहीं चेंज करेगी, तो उसे हम बोलेंगे वो बॉडी क्या है, हमारी रिजिड बॉडी है। हालांकि ऐसी बॉडी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन कुछ बॉडीज होती है जहां पर नेगोशिएबल यानी ना के बराबर चेंजेस होते हैं। तो एक मैथमेटिकल मॉडल दिया हुआ है रिजिड बॉडीज के ऊपर, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, तो ये मैथमेटिकल मॉडल बनाया है हमने, उस मैथमेटिकल मॉडल में हम काम करने के लिए रिजिड बॉडी का यूज करते हैं। हालांकि हमारे नेचर के अंदर कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि कोई भी बॉडी है हमारे पास उससे ग्रेटर फोर्स है जिसकी हेल्प से हम उसकी पोजीशन को या शेप को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी तरफ आ जाती है इलास्टिक और फ्लेक्सिबल बॉडी। इलास्टिक और फ्लेक्सिबल बॉडी इसका रिवर्स है, यानी कि बॉडी विच कैन, यानी कि हम उसकी पोजीशन को या उसकी शेप को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं बॉडी हुज शेप और पोजीशन कैन बी चेंज्ड कर सकते हैं। तो बॉडी विच कैन बी हुज पोजीशन और हुज पोजीशन और या शेप कैन बी चेंज्ड, देन द बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी और फ्लेक्सिबल बॉडी। ये सॉरी मैंने नीचे लिख दिया, ऊपर लिखना था, तो ये हमारा आ जाता है बी सी। अब देखिए नेक्स्ट आता है पार्टिकल। व्हाट इज अ पार्टिकल, तो पार्टिकल क्या चीज होती है, पार्टिकल इज अ इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर। तो पार्टिकल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसका, मैटर का, विच हैज नो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट और थिकनेस। तो यानी पार्टिकल क्या है, पार्टिकल इज ए पोर्शन ऑफ मैटर विदाउट विच, विदाउट लेंथ, ब्रेड्थ एंड
थिकनेस, यानी कि देखिए यहीं पर मैंने इसमें ही सब कुछ बता दिया, पार्टिकल पार्टिकल इज अ पार्ट ऑफ मैटर विदाउट लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस। और मैथमेटिकली आप इसको शो करते हैं किससे, पॉइंट से। अगर जैसे मैथमेटिक्स में मैं पॉइंट लगाता हूं तो ये किसको शो करेगा, एक पार्टिकल को शो करेगा, और पार्टिकल से क्या बन जाता है, मैटर बन जाता है। और मैटर की लिमिट यानी कि मैं एक मतलब कि उसको फिक्स कर दूं मैटर के पोर्शन को, यानी कि तो उसे हम वो क्या बोल देते हैं, वो क्या है, हमारी बॉडी है, यानी कि ये मैटर है। बहुत सारे मैटर्स को मैंने कोलेक्ट किया, पार्टिकल है, पार्टिकल से हमारा ये क्या बन गया, मैटर बन गया, मैटर की मैटर से ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी क्या बन जाएगी, कोई भी बॉडी है। तो पार्टिकल सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसका, मैटर का। और मैटर की मैटर को देखिए मैंने कन्फाइन कर दिया कि जो मैटर यहां पर लाई कर रहा है इसके अंदर, तो ये क्या बन जाएगी, हमारी बॉडी, क्योंकि जो बॉडी है वो लिमिटिंग पोजीशन है किसकी, मैटर की, यानी कि फिक्स होगा भाई इतना मैटर है, वो किसी भी शेप किसी भी चीज में हो सकता है। जैसे अब हमारी बॉडी है, बॉडी की लिमिटिंग पोजीशन है अपनी हर एक आदमी की, हर एक पर्सन की। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसका, मैटर का। उसके बाद आते हैं क्वांटिटी की तरफ। क्वांटिटी क्या चीज होती है, क्वांटिटी क्या होती है हमारी, क्वांटिटी किसी भी मैटर की जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, यानी कि कोई भी चीज जिसको मापा जा सके। तो यहां पर क्वांटिटी क्या है, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड विद सुटेबल यूनिट, एएमयू, यानी कि क्वांटिटी इज एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड विद स्टेबल यूनिट्स, यानी कि यूनिट भी होनी चाहिए ना उसकी, भाई किलोग्राम में मापनी है, मीटर में मापनी है, सेंटीमीटर में मापनी है, फीट में मापनी है, सेकंड में मापनी है। तो कोई भी चीज जो जिसकी जिसको मेजर किया जा सके और उसकी यूनिट्स हो, जिसके अंदर हमें उसका मेजरमेंट करना है, जिसकी यूनिट्स होती है मेजरमेंट की, उसी को ही मेजर किया जा सकता है। और अगर ऐसा किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है, दैट विल बी कॉल्ड इट्स क्वांटिटी, तो उसको हम बोलेंगे वो उस मैटर की क्वांटिटी है, या उस बॉडी की क्वांटिटी है, या किसी भी और फॉर्म में हम बोल सकते हैं। तो ये हमारी क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी इज एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ मेजरमेंट विद अ सुटेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद आ जाता है, देखिए बॉडीज जो रेस्ट में और मोशन में, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, व्हाट डज इट मीन अ बॉडी इज इन रेस्ट, और व्हाट डज इट मीन अ बॉडी इज इन मोशन। तो रेस्ट का क्या मतलब है, इफ ए पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि अगर बॉडी जो है अनचेंज्ड है, रिमेन्स इन द स्टेट एज इट इज, तो यानी कोई भी बॉडी जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, यानी उसकी पोजीशन अनचेंज्ड रहती है, यानी बॉडी विद अनचेंज्ड पोजीशन विद रेफरेंस टू सम पॉइंट इज कॉल्ड द बॉडी इज इन रेस्ट। और बॉडी विद चेंज पोजीशन, यानी जो बॉडी, देखिए कोई भी बॉडी जो चेंज कर लेती है अपनी पोजीशन को, तो उसे हम बोलते हैं कि वो क्या है, बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन है, जो अपनी शेप को चेंज कर लेती है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो बॉडी जो है वो मोशन में है। तो बॉडी दैट चेंजेज इट्स पोजीशन और शेप इज कॉल्ड द बॉडी इज इन मोशन। द बॉडी विच वुज पोजिशन कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी द बॉडी विद अनचेंज्ड पोजिशन इज कॉल्ड द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट हैं, और भी कंपोनेंट है जो मैं अभी आपको करवाऊंगा, टर्म्स हैं हमारी, एक्चुअल में बेसिक टर्म्स है जो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स की दो ब्रांचेज है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। उसके कंपोनेंट है स्पेस, स्पेस रीजन होता है जहां पे इवेंट्स क्या करती है, टेक्स प्लेस। दूसरा मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। उसके बाद बॉडी क्या होती है, लिमिटिंग पोजीशन होती है मैटर की। और आगे बॉडी जो होती है वो कैटेगराइज की जाती है दो पार्ट्स में, रिजिड बॉडी और इलास्टिक बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है, बॉडी विद अनचेंज्ड पोजीशन, और बॉडी विद चेंज्ड पोजीशन। उसके बाद पार्टिकल क्या है, पार्टिकल इज अ पोजीशन ऑफ इज अ पार्ट ऑफ मैटर विदाउट लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस। क्वांटिटी क्या है, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड विद अ सुटेबल यूनिट ऑफ मेजर।
rest body body with unchanged position is called in the state of rest body with changed position is called the body is in state of motion. जैसे कि गाड़ी अगर कोई गाड़ी चल रही है तो हम ये कहेंगे कि वो क्या है मोशन की पोजिशन में है. अगर कोई चीज ऐसी खड़ी है तो हम ये कहेंगे कि वो रेस्ट की पोजिशन में है. तो ये सब कंपोनेंट है हमारे मैकेनिक्स के कह लीजिए, स्टैटिक्स के कह लीजिए या डायनेमिक्स के कह लीजिए. तो ये सब चीजें हमें पता होनी जरूरी है क्योंकि जब तक ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता होगी ये टर्म्स बार बार आएगी तो हमारे माइंड में स्ट्राइक करेगा भाई ये होती क्या चीज है. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये होती क्या चीज है और जब हमारे माइंड में ये सब चीजें क्लियर होगी तो उसे हम आगे समझने में क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी. देखिए नेक्स्ट हमारी कुछ ये टर्म्स है जो हम यूज करेंगे. ये टर्म्स के नाम लिखे हुए हैं मैंने स्पीड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वेशंस ऑफ मोशन और ये मैंने टाइप्स लिखी हुई है कि जो ये टर्म्स है कुछ टाइप्स की होती है यूनिफॉर्म वेरिएबल और एवरेज और इनकी यूनिट्स कौन कौन सी हम यूज करेंगे वो हम यहां पर सीखेंगे. ये सारे के सारी चीजें जो मैं आज आपको बताऊंगा ये हमारी थ्रू आउट द डायनेमिक्स यूज होंगी. तो देखिए सबसे पहले स्पीड क्या चीज होती है. तो व्हाट इज अ स्पीड. द स्पीड ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज द रेट एट विच इट्स डिस्क्राइब इट्स पाथ. यानी कि किसी भी कोई भी जो रेट है हमारा किस चीज का रेट है जो हमारा स्पीड क्या है मूविंग पार्टिकल की रेट है जिससे वो डिस्क्राइब करती है अपने पाथ को. यानी कि किसी भी पाथ को हम यानी कि रेट ऑफ डिस्क्राइबिंग पाथ यानी किस रेट से किस दर से किस रेट से वो क्या कर रही है पाथ को डिस्क्राइब कर रही है दैट इज कॉल्ड द स्पीड. यानी स्पीड क्या है रेट of describing a path by a particle. यानी कि जो हमारा पार्टिकल है वो किस रेट से पाथ को डिस्क्राइब कर रहा है उसे हम बोलते हैं वो हमारी क्या है स्पीड है. और जो हमारा पाथ है वो क्या हो सकता है वो कोई भी कर्व हो सकती है. कर्व देखिए हम जैसे मैथमेटिक्स सीखते हैं वो सर्कल भी हो सकती है पैराबोला हो सकती है हाइपरबोला हो सकती है इक्विएंगुलर स्पाइरल हो सकती है या कोई भी अदर कर्व हो सकती है या स्ट्रेट लाइन हो सकती है. तो जैसे जो भी जिस रेट से हमारा जो पार्टिकल है उसका जो रेट है पाथ को डिस्क्राइब करने का दैट विल बी कॉल्ड इट्स स्पीड. तो जो हमारी स्पीड होती है देखिए वो स्पीड होती है क्या होती है आगे तीन टाइप की होती है. एक तो होती है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी होती है हमारी वेरिएबल स्पीड और तीसरी होती है हमारी एवरेज स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है आपकी सबसे पहले आपको यह समझना है व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड. तो इसकी तीन टाइप से मैंने बताया यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड. तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है आप देखिए ये सपोज कीजिए आप ए पोजीशन पर है और आप यहां से बाइक पर जाते हैं और यहां पर ये आपकी बी पोजीशन है. इस पोजीशन पर हमें पहुंचना है और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है. आप सपोज कीजिए आप पहले 10 मिनट्स में आप जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो ये डिस्टेंस कवर करते हैं यानी ए से A1 तक का हम डिस्टेंस कवर करते हैं जो कितना है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है. और अगले 10 मिनट्स में मैं जो डिस्टेंस कवर करता हूं वो फिर 1 किलोमीटर का करता हूं. उससे नेक्स्ट 10 मिनट्स में जो मैं डिस्टेंस कवर करता हूं जो मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूं वो फिर अगेन मैं 1 किलोमीटर का कर रहा हूं. और इससे नेक्स्ट 10 मिनट में मैं जो डिस्टेंस कवर कर रहा हूं वो फिर 1 किलोमीटर का कर रहा हूं. ये A1 ये A2 ये A3 और ये B यानी कि 4 किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर किया. और 10 मिनट्स में हर 10 मिनट्स में हमने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है. इट मीन्स जो हमारा पार्टिकल है वो क्या कर रहा है इट इज डिस्क्राइबिंग इट्स पाथ या इट इज कवरिंग द डिस्टेंस. द पार्टिकल कवरिंग द डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है. इफ एनी मूविंग पार्टिकल डिस्क्राइब्स इक्वल डिस्टेंसेज को कवर कर रहा है कब इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम.
इफ एनी मूविंग पार्टिकल डिस्क्राइब्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी से द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म, तब हम कहेंगे कि जो हमारे पार्टिकल की स्पीड है वो कितनी है, यूनिफॉर्म है, यानी कि वो सेम स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये सेम स्पीड से मूव कर रहा है, यहां पर इट मींस ये हुआ, यानी कि जब भी कोई पार्टिकल सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, वो टाइम कितना भी ले सकते हैं, अभी हर 5 मिनट के बाद आप लेना चाहते हैं, 10 मिनट के बाद लेना चाहते हैं, 1 घंटे का निकालना चाहते हैं, 2 घंटे का, 5 घंटे का, हर 5 घंटे बाद का आप डिस्टेंस कवर देखना चाहते हैं। मान लो कोई ट्रेन है, वो उस आप ये देखते हैं कि हर 50 घंटे बाद जो इक्वल डिस्टेंस कवर करती जा रही है वो, तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो स्पीड है उस ट्रेन की वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यानी कोई भी मूविंग पार्टिकल अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, कब, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी से द पार्टिकल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। अब आ जाइए वेरिएबल स्पीड क्या होती है। देखिए वेरिएबल स्पीड क्या होती है, यहां से अब ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। अब आपने पहले 10 मिनट्स में जो डिस्टेंस कवर किया वो कवर किया 1 किलोमीटर का, और जो अगले 10 मिनट्स में आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो यहां से ए से ए टू पे आए और ये आपने किया 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया नेक्स्ट 10 मिनट में। ये टाइम की बात हो रही है, इंटरवल ऑफ टाइम देखे 10 मिनट ही ले रहा हूं, इक्वल ले रहा हूं, और उससे अगले 10 मिनट में आपने जो डिस्टेंस किया वो अगेन कवर किया, ये A3 में अगर कहूं तो ये अगेन आपने कवर किया 1 किलोमीटर का, और उससे अगले 10 मिनट्स में आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो किया सिर्फ 0.5 किलोमीटर का। देखिए टोटल डिस्टेंस में 4 किलोमीटर हो गया, 1.5, 2.5, 3.5 और 4 किलोमीटर डिस्टेंस लेके चले थे, इधर वाला और इधर वाला हम। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो सेम नहीं हो रहा है, यानी कि व्हेन अ मूविंग पार्टिकल डिस्क्राइब्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है हर 10 मिनट्स के बाद, लेकिन जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो सेम नहीं हो रहा है, वो अलग अलग हो रहा है। इट मींस जो हमारा पार्टिकल है वो मूव कर रहा है विद वेरिएबल स्पीड, यानी कि इफ अ पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट डिस्क्राइब्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी से द पार्टिकल इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। उसके बाद देखिए, उसके बाद आ जाती है हमारी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड निकालने का आपका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि हमने जितना डिस्टेंस कवर किया है और उसको डिवाइड कर देते हैं हम किससे, टाइम से, तो वो हमारी क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। अब देखिए, अब यूनिफॉर्म के केस में देखिए, यहां पर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां पर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 4 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया हुआ है हमने। टाइम कितने टाइम में किया है हमने, कितने टाइम में किया है हमने, ये देखिए कितने टाइम में किया है हमने, टोटल टाइम यानी कितना है हमारा, 10 मिनट, यानी कि ये भी आपका होगा कितना, 40 मिनट। 40 मिनट में हमने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, यानी कि एवरेज स्पीड कितनी है हमारी, तो एवरेज स्पीड देखिए कितनी है, 1/10 है, यानी यही मींस हुआ ना कि 1/10 स्पीड से हम चल रहे हैं। तो 1/10 को जब आप 4 सबको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4/40 आ जाएगा आपका। तो यानी हमारी यहां पर, अब देखिए यहां पर, देखिए आप यहां पर भी एवरेज स्पीड देखिए अब कितनी आएगी, एवरेज स्पीड देखिए क्या आएगी, यहां पे सारे टोटल डिस्टेंसेस कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 1.5, 2.5 किलोमीटर, 3.5 और 0.5 ऐड करेंगे 4 किलोमीटर, टाइम 40 मिनट, ये कितना आ रहा है आपका, 1/10, यहां से भी सेम, यहां से भी सेम, यानी कि कहने का मीन्स ये है, ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई।
तो एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है, जो टोटल डिस्टेंस है उसको टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है। हालांकि यूनिफॉर्म केस, यूनिफॉर्म का अगर केस है स्पीड का, तो उस केस में जो हम जिस स्पीड से हम डिस्टेंस कवर करते जा रहे हैं वही हमारी एवरेज स्पीड आएगी, लेकिन वेरिएबल स्पीड में एवरेज स्पीड आपकी अलग आएगी, डिफरेंट आएगी। हालांकि मैंने यहां पे देखिए कन्वर्ट करना था कि ये किलोमीटर है तो यहाँ के मीटर होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, वो मैंने यूनिट्स नहीं ली, सिर्फ आपको यही दिखाया कि ये सेम, देखिए एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बतानी थी कि यूनिफॉर्म स्पीड में के केस में वही एवरेज स्पीड होती है जो यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन वेरिएबल स्पीड के केस में वेरिएबल स्पीड अलग होती है और जो एवरेज स्पीड आपकी अलग हो जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, तो एवरेज स्पीड, वेरिएबल स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां पर देखिए आप, तो आप सिंपल सा ध्यान रख रहे हैं, इफ ए मूविंग पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वी से द पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ मूविंग पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी से द पार्टिकल इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का आप सीधा फार्मूला लिखोगे, वन कैन ऑब्टेन द एवरेज स्पीड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। तो ये हमारा फार्मूला है एवरेज स्पीड का। तो हमारी तीन तरह की स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड। स्पीड के बाद देखिए हमारा डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन एन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कितना चेंज हुआ है किसी पार्टिकल की पोजीशन में एक इंटरवल ऑफ टाइम में, इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि किसी टाइम के अंदर, गिवन टाइम के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट यानी कितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसे हम बोलते हैं वो क्या, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ही होती है, जैसे कि मैं ये कहूँ, जैसे ये हमने क्वेश्चन किया कि हम ए पर थे और हम पांच मिनट के टाइम के बाद हम कहां पहुंच गए, बी पर पहुंच गए। तो ए से बी तक हमने जो डिस्टेंस कवर किया है इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, वी विल से दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब देख, लेकिन देखिए अगर मैं मैं बात करूं कोऑर्डिनेट सिस्टम की यानी टू डायमेंशन की, कोई पार्टिकल यहां से यहां आता है पहले और फिर यहां से यहां तक आया, फिर यहां से वो यहां तक गया, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी कहलाएगी हमारी, जो मैं ये चीज निकालूंगा, ये लाइन, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या निकालूंगा, हाइपोटेनस निकालूंगा। तो इसे बोलेंगे जो ये हाइपोटेनस है, यानी हमारा जो पार्टिकल है यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेफरेंस टू एन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कितना चेंज हुआ है किसी पार्टिकल की पोजीशन में, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो उसे हम बोलते हैं वो क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारी ये डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होती है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते भाई ये यूनिफॉर्म है या वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है या एवरेज, तो हम इसे कैटेगराइज नहीं करते। तो डिस्प्लेसमेंट एक सिंगल टर्म है, वो डिस्प्लेसमेंट ही रहेगी हर केस में। तो सिंपल सा हम बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, यानी कि किसी पार्टिकल ने किसी एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना चेंज किया है, यानी कि उसकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ है, उसे हम कहेंगे वो क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट है। जो डिस्प्लेसमेंट है देखिए वो मेजर की जाएगी, हमारे तीन सिस्टम होते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। ये आप पढ़कर आए हैं, ये टाइप नहीं है, इसलिए देखिए मैंने यहां तक लाइन बड़ी कर दी है, ये अलग चीज है। यूनिट्स जो होती है एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में और एफपीएस सिस्टम में। तो एमकेएस सिस्टम में जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, और यहां पर सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर होती है और एफपीएस सिस्टम में फीट में होती है हमारी
डिस्प्लेसमेंट। तो ये यहां पे भी क्लियर, देखिए एम से मीटर, सी से सेंटीमीटर और एफ से फीट। तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स हैं जो हम इन तीन सिस्टम में अलग अलग यूज करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद आती है हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या चीज होती है? वेलोसिटी और स्पीड में देखिए थोड़ा सा ही फर्क है। स्पीड के अंदर अगर हम डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं, डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं तो वो हमारे वेलोसिटी बन जाती है। यानी कि स्पीड के अंदर अगर हम डायरेक्शन डायरेक्शन का भी कंपोनेंट ऐड कर ले, यानी किस तरफ हम जा रहे हैं, तो यानी कि वो हमारी क्या बन जाती है? वेलोसिटी बन जाती है। सिर्फ इतना सा चेंज करना है आपने, इफ अ पार्टिकल, देखिए ये इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, सेम बिल्कुल डेफिनेशन है, तो कि इसे हम वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होती है और वो दूसरा हम ये कहेंगे कि देखिए रेट ऑफ चेंज होता है किसका, हाउ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग इट्स पाथ, दैट इज कॉल्ड स्पीड। यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है उसे हम बोलते हैं वो क्या है? हमारी वेलोसिटी है। ये फार्मूला बार बार यूज करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि ds बाय dt, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं s से तो ds बाय dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड दी वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला हम थ्रू आउट दी कंसेप्ट, इस पूरे कंसेप्ट में, डायनेमिक्स के कंसेप्ट के अंदर जो है हम यूज करेंगे। तो जो हमारा वेलोसिटी होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज इक्वल टू ds बाय dt। अब उसके बाद देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो अब मूविंग पार्टिकल डिस्क्राइब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम यहां बोल देते हैं, यहां पर इन द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सेम है। यहां पर सिर्फ आपने डायरेक्शन को और ऐड कर दिया, बिल्कुल सेम है ये दोनों डेफिनेशन। यहां भी पार्टिकल मूव्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां पर भी यही लिखा है पार्टिकल डिस्क्राइब्स इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इन द सेम डायरेक्शन। यहां पर कोई भी डायरेक्शन हो सकती है यहां लेकर, लेकिन हमने कहा है कि इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी में चलना है हमें। देन वी से द पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसे ही यहां पर पार्टिकल मूविंग अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन द सेम डायरेक्शन वी से द पार्टिकल इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। और इसी तरीके से जो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है हमारा क्या हो जाता है? टोटल, यहां डिस्टेंस की जगह आ जाता है डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ जाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट वर्ड और अपोन में टोटल टाइम। तो ये चीज और ये चीज में सिर्फ इतना ही फर्क है, देखिए स्पीड और वेलोसिटी में, स्पीड के अंदर, स्पीड जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है हमारी वो क्या चीज है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन को भी एक्सेप्ट किया जाता है, डायरेक्शन के एलिमेंट को भी यूज किया जाता है ये हम कह सकते हैं। और जो हमारी वेलोसिटी, जो हमारी स्पीड होती है, देखिए मैं आपको बताऊं स्पीड और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। जो हमारी स्पीड होती है ये एक्स्ट्रा में है, मैं यहां लिख देता हूं रिमार्क में कि जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है किसके? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। यानी कि जो हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल। तो ये हमें ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम बार बार वेलोसिटी निकालेंगे ना कि स्पीड निकालेंगे। अगर स्पीड निकालने के लिए वो हमें कहेगा तो हम क्या करेंगे? हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से हमारी क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपको पता है किसी भी वेक्टर का क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वहां से स्पीड आ जाएगी और जो ये वी है हमारा वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारी क्या हो गई? हमारी
वेलोसिटी हो गई। अब वेलोसिटी जो होती है वो उसके देखिए यूनिट्स जो होते हैं एमकेएस सिस्टम में क्या होते हैं, उसका एमकेएस सिस्टम में होता है मीटर पर सेकंड, और यहां होता है आपका सेंटीमीटर पर सेकंड, और यहां होता है आपका फीट पर सेकंड। ये आपने ध्यान रखने हैं, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड और फीट पर सेकंड, ये आपकी यूनिट्स रहेगी मेजरमेंट की, किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी होती है, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो क्या होती है, हमारी एक्सेलरेशन होती है, यानी कि ये आपका आ जाएगा वी से अगर हम वेलोसिटी को डिनोट करते हैं डीवी बाय डीटी। लेकिन आपका वी जो है वो क्या है, ये वी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वी को हम क्या लिख सकते हैं डीएस बाय डीटी भी लिख सकते हैं, तो ये डी बाय डीटी और यहां पर डी एस बाय डीटी, यानी ये इक्वल हो जाएगा किसके, डी टू एस ओवर डी टी स्क्वेयर के। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डबल डेरिवेटिव कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन, या वेलोसिटी की मैंने तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दीजिए सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल बी यूअर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आगे हमें कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो यहां पर हमें सिर्फ वेलोसिटी को और स्पीड को हमने कैटेगराइज किया है। एक्सेलरेशन जो होगी देखिए उसके क्या बनेंगे, हमारे यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां हो जाएगा आपका फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे यूनिट्स है मेजरमेंट के, किसके, एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन के बाद देखिए, एक्सेलरेशन के बाद आपका क्या आता है, इक्वेशन ऑफ मोशंस, ऑफ मोशन। अगर देखिए हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, तो हमारी जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप जो हमारी फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो होता है यू प्लस एफ टी, ये एक्सेलरेशन मैं लिख भी देता हूं, एफ से शो कर रहे हैं हम, तो वी हमारी फाइनल वेलोसिटी को शो करेगा, यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी को, एफ एक्सेलरेशन को, और टी टाइम को। थ्रो आउट मैंने बता दिया आपको, वी फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है, यू इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, एफ एक्सेलरेशन को और टी टाइम को। इसी तरीके से दूसरा जो फार्मूला होता है हमारा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एफ एस, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल होता है 2 इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट। और जो थर्ड फार्मूला होता है हमारा s, s का जो फार्मूला डिस्प्लेसमेंट का, ut प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इंटू स्क्वेयर ऑफ टाइम। तो ये तीन हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, ये भी हम हर जगह यूज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, जब भी कोई भी चीज को हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट विल मूव टू द अर्थ, ये मूव करेगी अर्थ के सेंटर की तरफ, बल्कि तो जब वर्टिकली डाउनवर्ड कोई भी चीज आ रही है, तो यहां पर जो हमारा जो फार्मूला बनेगा, अब यहां पर जो हमारी फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपका यू प्लस जी टी। और यहां पर यानी जहां जहां एक्सेलरेशन हमने एफ यूज की थी, यहां पर हम एफ एक्सेलरेशन ना यूज कर जी का यूज करेंगे, जहां पर जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये वर्टिकली डाउनवर्ड जब हम कोई पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तब हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये यूज होंगी। दूसरी जो यूज होगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस, और थर्ड जो यूज होगी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हम वर्टिकली जब डाउनवर्ड कोई भी चीज हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे जो वो मूव करेगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देन वी विल यूज दीज थ्री इक्वेशन, सेम है बस एफ को रिप्लेस कर दिया हमने जी से। वर्टिकली अपवर्ड के केस में देखिए, जब भी मैंने कोई चीज नीचे से ऊपर मैं फेंकूंगा, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे करूंगा, तो वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी थोड़ी देर बाद फिर नीचे आएगी, तो वहां पर जो ग्रेविटी होती है वहां पर रिटार्डेशन हो जाती है, यानी ग्रेविटी नेगेटिव में यूज होगी। तो ग्रेविटी यानी जहां जहां जी है उसकी जगह हम इन फार्मूले में किसका यूज कर लेंगे, माइनस जी का यूज कर लेंगे, और ये आपके फार्मूले बन जाएंगे
वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, दूसरा बन जाएगा आपका वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू माइनस टू जी एस, और थर्ड बन जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो इन फॉर्मूलेस का हम यूज करेंगे। दीज आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, इन केस ऑफ वर्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड केस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इट इज द केस ऑफ वर्टिकली अपवर्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अभी तीन चीजें और ध्यान रखनी है आपने। देखिए एमकेएस सिस्टम में जो ग्रेविटी जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और यहां पर सीजीएस सिस्टम में जो जी की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और यहां जी की जो वैल्यू होती है एफपीएस सिस्टम में 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये वैल्यूज भी हमें याद रखनी है, इनका हम बार बार यूज करेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंड व्हाट आर इक्वेशंस ऑफ मोशन, एंड व्हाट आर दी वेरियस यूनिट्स टू मेजर दीज यूनिट्स। तो ये हमारा सब हमें पता होना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। Oh, 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 oh